सदर पुलिस की एक टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में NH 21 पर सहयोगी नामक स्थान पर दिन भर नाके पर मौजूद रही तथा 15 चालकों को गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हुए मौके पर पकड़ा व उनके चलान नियमानुसार किए गए तथा 10 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड करने के लिए भेज दिया गया है। इस महासदर पुलिस ने 40 ड्राइवरों को जो कि मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे का चलान भी किया। इस वर्ष की बात करें तो अभी तक 140 ऐसे ड्राइवर पकड़े गए हैं जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हुए चल रहे थे, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आम जनता से अपील की गई है कि कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। अगर कोई इमरजेंसी कॉल भी आए तो गाड़ी को रोक कर साइड में लगा कर सुने और उसके बाद ही ड्राइव करें। आजकल सदर पुलिस की एक टीम लगातार जो हाई कोर्ट के आदेश हैं उनके अनुसार जो 4 अपराध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बताए गए हैं उन पे लगातार नकेल कस रही है, जिनमें मुख्यतः मोबाइल का प्रयोग करना गाड़ी चलाते समय, ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरलोडिंग तथा जो हमारे मालवाहक गाड़ियां होती हैं उनमें सवारियां ढोना, इन चारों ही अपराधों पे नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और डॉपलर रडार के माध्यम से भी लगातार चलान किए जा रहे हैं। रिसेंटली इस मंथ में अभी तक 39 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज कर रहे थे और उनके लाइसेंस भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सस्पेंशन के लिए भेज दिए हैं। इस वर्ष अभी तक 139 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल सुन रहे थे और उनमें से ज्यादातर उनके लाइसेंस, जिनके पास भी लाइसेंस मौजूद थे, सस्पेंशन के लिए भेज दिए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है ताकि जो एक्सीडेंट हमारे लगातार हो रहे हैं उनमें कमी आए और हम लोगों की जान सुरक्षित रख सके। आम जनता से भी यही अपील है कि ये चारों अपराध जो काफी नोटिस में रहते हैं इनसे बचें और गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें।